नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 12वीं हिंदी युवक भारती इससे 9वां अध्याय चुनिंदा शेर यह लेकर आई हूँ स्वाध्याय के लिए, जिसे लिखा हुआ है कैलाश सेंगर जी ने। तो कवि का परिचय वगैरह ये मैं तब आपको बताऊँगी जब मैं इस कविता की व्याख्या अर्थात एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो बनाऊँगी। आज मैं आपको इसके अंदर जितने भी स्वाध्याय के क्वेश्चन दिए हुए हैं वो बताने वाली हूँ, और उसमें स्वाध्याय के क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आपको सबसे पहले दिया हुआ है स्वाध्याय में आकलन अ, इसमें दिया है परिंदों को यह शिकायत है, यानी ये वाला क्वेश्चन आपको सबसे पहले दिया हुआ है ना। तो हम इसको देखेंगे, परिंदों को क्या शिकायत है। तो परिंदों को यह शिकायत है कि हे मालिक, कभी तो हमारी बात भी सुनो, क्योंकि आपकी कृपा से हमें जो दाना अर्थात खाना प्राप्त होता है लगता है अब उसमें भी कीड़े लग गए हैं। यानी यहाँ जो है परिंदे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, उनको अपनी बात सुनने के लिए जो है बोल रहे हैं कि आप हमें खाना तो दे रहे हैं लेकिन जो आप हमें खाना दे रहे हैं अब उसमें भी घुन लग गए हैं, कीड़े लग गए हैं, इसलिए ध्यान दीजिए हमारी तरफ ताकि हमें अच्छा खाना मिल सके। दूसरा देखते हैं नदी के प्रति उत्तरदायित्व। तो नदी के प्रति क्या उत्तरदायित्व है कि नदी आदिकाल से हमारी माता के रूप में हमारी सेवा करती चली आ रही है ना। जब से इस पृथ्वी पर इंसान है तभी से नदी भी है, आदिकाल से जो है ये हमारी सेवा करती चली आई है। हमारा अब उत्तरदायित्व है कि हम उसमें गंदगी न डालें, उसे गंदा न करें, प्रदूषित होने से बचाए। और दूसरा पॉइंट हम इसमें लिखेंगे कि नदी जो है जीवनदायिनी है, अतः उसमें लाशों को नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि बहुत से स्थानों पर मरे हुए लोगों को जो है नदी में बहा दिया जाता है, अक्सर गंगा नदी में हम यह सारी चीज़ें देखते हैं, तो वो न करें। ये यहाँ पे हमें दोनों रीज़न लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिणाम लिखिए। परिणाम लिखिए में हमको दिया हुआ है पानी सर से गुजर जाएगा, तो इसका अर्थ होता है कि अगर पानी सर से गुजर जाए यानी सहन शक्ति की सीमा ही समाप्त हो जाए तो मनुष्य विद्रोही बन जाएगा और न करने योग्य कार्य भी वह करने लगेगा। जो उसने अभी तक सोचा नहीं होगा कि ऐसा करना चाहिए वो भी वो करने लगेगा, और वो सारे कार्य ऐसे समय पर कैसे होते हैं, बहुत बुरे होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कवि जिंदगी के सवालों में खो गए। तो कवि जिंदगी के सवालों में खो गए तब उन्हीं सवालों के जवाब उनके उजालों में खो गए, यानी जब उनको उनके सामने ज़िंदगी के सवाल खड़े हो गए तो जब उन्होंने उसके जवाब खोजने की जो है कोशिशें की, प्रयत्न किए, तो उसी में से इतने उजाले निकले कि वो उन उजालों में खो गए। आगे देखते हैं शब्द संपदा, और शब्द संपदा के अंतर्गत दिया है पाठ में आए हुए चार उर्दू शब्द और उनके हिंदी अर्थ लिखिए। तो पहला उर्दू शब्द है खुशबू, जिसको लिखेंगे हम सुगंध। दूसरा है ख्वाब, इसको हिंदी में लिखेंगे स्वप्न। नेक्स्ट है परिंदा, परिंदे, जिसे लिखेंगे हम पक्षी। और नेक्स्ट है इंकलाब, जिसको हम लिखेंगे क्रांति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश के तारे तोड़कर लाना, इस मुहावरे को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद में क्वेश्चन दिया है क्रांति कभी भी अपने आप नहीं आती, वह लाई जाती है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। और रसास्वादन के अंतर्गत आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि कवि की भावुकता और संवेदनशीलता को समझते हुए चुनिंदा शेर का रसास्वादन कीजिए। अब यहाँ पे आपने देखा कि कवि की भावुकता और संवेदनशीलता को समझते हुए चुनिंदा शेर इसका रसास्वादन कीजिए। यहाँ पर आपको ये नहीं दिया है कि मुद्दे के आधार पर कीजिए, है ना, मुद्दों के आधार पर जो है रसास्वादन कीजिए। तो अगर मुद्दे दिए हुए हो तब भी हम कवि का नाम, शीर्षक, केंद्रीय कल्पना, भाषा शैली ये सब लिखते हैं, अर्थ वगैरह, पसंद आने वाली लाइनें, उनके पसंद आने का कारण, ना पसंद आने का कारण, ये सब उस समय उसके अंदर आता है ना, भाषिक सौंदर्य वगैरह। लेकिन अब इसमें हमको मुद्दे नहीं दिए तो हमको पूरी कविता का जो है सिर्फ अर्थ लिखना है, और जब हम कविता पढ़ते हैं तो हमको लाइन से उसका अर्थ जो है याद हो जाता है। जैसे
इसके अंदर दिया है, पहला पेड़ होने का अर्थ, दूसरा हौसला है पेड़, और तीसरा है दाता है पेड़। तो इस तरीके से हमको इसके जो है अर्थ को लिखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो तीनों क्वेश्चन है ना, अभिव्यक्ति और रसास्वादन के, इसके मैं भी आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी जरूर कीजिए, क्योंकि मेल बांटकर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। विद्यार्थियों, साथ ही साथ में बेल आइकॉन के बटन को आप प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि मैं इतनी मेहनत आपके लिए करती रहती हूँ, लेकिन उसका कुछ भी, थोड़ा भी, ज़रा भी जो है, मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए आप सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकॉन को ज़रूर से दबाइए, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है मेरे इस चैनल को आगे ले जाने के लिए। आपके लिए मैं नए नए वीडियोज़ बनाती रहूँ, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे जो है मेंटल सपोर्ट दीजिए, ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके से नए नए वीडियोस बनाती रहूं। आगे देखते हैं साहित्य संबंधी ज्ञान। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान के अंदर दिया हुआ है अ नंबर का क्वेश्चन, और वो इस तरीके से है। कैलाश सेंगर जी की प्रसिद्ध रचनाओं के नाम लिखिए। तो जब हम इस लेसन को पढ़ते हैं, कवि का जब हम परिचय पढ़ते हैं, तो वहीं पे हमको जो है उनकी किताबों के नाम दिए हुए रहते हैं। तो पहली किताब का नाम है अभी रात बाकी है, ये अनुदित काव्य है। दूसरी उनकी किताब है जिसका नाम है सुबह होने का इंतज़ार, ये कहानी संग्रह है। इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ आदमी नहीं जूते भी चलते हैं, ये इनकी कहानी की किताब है, कहानी संग्रह। और लास्ट की किताब का नाम है सूरज तुम्हारा है, यह है इनका गज़ल संग्रह है। तो विद्यार्थियों, इसमें से कोई भी तीन किताबों के नाम अगर आप लिखेंगे तो भी इनफ हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि गज़ल इस भाषा का लोकप्रिय काव्य प्रकार है। तो किस भाषा में गज़ल लिखी जाती है? अक्सर जो गज़ल की भाषा है वह उर्दू होती है। आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करके वाक्य को फिर से लिखिए। अब यहाँ पे हमको काल परिवर्तन की बात कही गई है। काल परिवर्तन यानी क्या? तो ये होता है टेंस, है ना। तो टेंस आपको लिखना है, यानी काल परिवर्तन, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, इस तरीके से आपको जो है टेंस, अगर आपको इंग्लिश में पता हो तो उसको टेंस कहते हैं, मराठी या हिंदी में बोलेंगे तो इसे हम काल बोलेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं। एक एक क्षण आपको भेंट कर देता हूँ, ये सामान्य वर्तमान काल का जो वाक्य है, इसको हमें सामान्य भविष्य काल में बदलना है। तो इसको लिखना है एक एक क्षण आपको भेंट कर दूंगा। नेक्स्ट है बेजू का लहू सूख गया है, उसे हमें सामान्य भूतकाल में बदलना है, और हम लिखेंगे बेजू का लहू सूख गया, है ना। यहाँ पे है लिखा है सामान्य भूतकाल में, अक्सर जो है था यहाँ पे नहीं आता है, तो इस तरीके से आपको याद रखना चाहिए, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, मन बहुत दुखी हुआ था, अपूर्ण भूतकाल में बदलना है, लिखेंगे मन बहुत दुखी हो रहा था। अपूर्ण भूतकाल यानी कि क्रिया पूरी नहीं है, तो मन दुखी हो रहा था, उसके आगे भी दुखी था या नहीं था पता नहीं है, है ना। इस तरीके से पढ़ लिख कर नौकरी करने लगा, पूर्ण भूतकाल में बदलना है ना। तो यहाँ पर हमको ये वाक्य कैसा दिया हुआ है? सामान्य भूतकाल का, कि पढ़ लिख अपूर्ण भूतकाल, है ना, पढ़ लिख कर नौकरी करने लगा। आगे देखते हैं, पढ़ लिख कर नौकरी करने लगा था, ठीक है, ये पूर्ण भूतकाल का वाक्य बनाएंगे हम। आगे देखेंगे यात्रा की तिथि भी आ गई, तो सामान्य वर्तमान काल में बदलना है, यात्रा की तिथि भी आ जाती है। नेक्स्ट है मैं पता लगा कर आता हूँ, सामान्य भविष्य काल में बताना है, मैं पता लगा कर आऊँगा। नेक्स्ट देखना है गर्ग साहब ने अपने वचन का पालन किया, तो सामान्य भविष्य काल में हम लिखेंगे गर्ग साहब अपने वचन का पालन करेंगे। नेक्स्ट है मौसी कुछ नहीं बोल रही थी, अपूर्ण वर्तमान काल में बदलेंगे कि मौसी कुछ नहीं बोल रही है। नेक्स्ट देखेंगे सुधारक आते हैं, तो हम पूर्ण भूतकाल बनाएंगे, सुधारक आए थे और प्रकाश उसमें समा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे सुधारकर काल के अनुसार सामान्य भूतकाल बनाएंगे, प्रकाश उसमें समा गया, ठीक है। इस तरीके से ये हो गए। अब हम अभिव्यक्ति और रसास्वादन के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो अभिव्यक्ति और रसास्वादन के क्वेश्चन इस तरीके से आपको दिए हुए हैं, इसको देखते हैं हम लोग।
पहला क्वेश्चन है अभिव्यक्ति के अंतर्गत कि आकाश के तारे तोड़ लाना, इस मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो हम इसके अंदर देखते हैं कि आकाश के तारे तोड़ लाना, इसका अर्थ होता है असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाना। मनुष्य का जीवन कई तरह के संघर्षों से घिरा हुआ होता है, उन संघर्षों का मुकाबला करके कठिन से कठिन कार्य को करने में सफल हो जाने पर इस मुहावरे का उपयोग किया जाता है। यानी जब कोई मनुष्य कठिन से कठिन कार्य आसानी से कर दिखाता है, संभव कर दिखाता है, तब इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं। हम वाक्य इसके लिए इस तरीके से बनाएंगे कि राजेश बचपन में एकदम सामान्य विद्यार्थी था, परंतु आज IAS बनकर उसने साबित कर दिया कि वह आकाश के तारे भी तोड़कर ला सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्रांति कभी भी अपने आप नहीं आती, वह लाई जाती है, इस कथन पर अपने विचार लिखे। ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, इस पर हमें अपने विचार लिखना है। अभिव्यक्ति के अंतर्गत ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हम आंसर लिखेंगे कि क्रांति का अर्थ है परिवर्तन। क्रांति का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ में परिवर्तन लाना, वह चाहे कोई सामाजिक रीति रिवाज हो या कोई हमारे जो हम कह सकते हैं रूढ़ियाँ हो, कुछ भी हो, उनमें बदलाव लाना, परिवर्तन लाना। तो क्रांति का अर्थ है परिवर्तन। यह परिवर्तन किसी भी चीज़ में हो सकता है, चाहे वो समाज में फैली हुई बुराइयों के लिए हो, या किसी अव्यवस्था या सामाजिक प्रथा के विरोध में हो, चाहे किसी रूढ़ी के विरोध में हो, है ना। पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज़ें चली आ रही है, कई कई पीढ़ियों से, यानी कई हजारों सालों से कोई चीज़ें चली आती है, और वो प्रथाएं आज के समय में उतनी सटीक नहीं बैठती है, आज उनकी ज़रूरत नहीं है या उनको ख़त्म कर दिया जाना चाहिए ऐसा लगता है, लेकिन जब उसे ख़त्म करने के लिए कोई सुधारक आगे आता है और उसे बदलना चाहता है, उसमें परिवर्तन करना चाहता है, तो ऐसे समय में कई लोग जो है उसका विरोध करने लगते हैं, क्योंकि वो अपनी जड़ों को छोड़ना नहीं चाहते। परंतु कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कई पुरानी रूढ़ियाँ ऐसी हैं जिनका आज के समय में कोई भी अर्थ नहीं बचता है, तो ऐसी चीज़ों को छोड़ते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, उनमें बदलाव लाना चाहिए। तो आगे देखते हैं, कोई भी प्रथाएं, बुराइयां और अव्यवस्थाएं समाज में सदियों से अपनी पकड़ बनाए हुए होती हैं, यदि इन्हें बदलने का विचार किसी के मन में आ जाए और वह इस दिशा में प्रयत्नों को शुरू भी कर दे, तो यह कार्य इतना आसान नहीं होता, क्योंकि सदियों से पकड़ बनाई हुई चीज़ों को बदलने के लिए जो भी आगे आता है उसका समाज में घोर विरोध होता है, उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचे जाते हैं कि ये जो है हमारी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को मिटाने में लगा हुआ है, ये कर रहा है वो कर रहा है, इस तरीके से उसके विरुद्ध कई प्रकार के षड्यंत्र रचे जाते हैं। उस क्रांतिकारी के विचारों की उपेक्षा की जाती है, उपेक्षा यानी उसको नेग्लेक्ट किया जाता है, पहले बताया जाता है उसको जो है उपेक्षा करो। आपने जो है अभी 12th युवक भारती में लेसन पढ़ा होगा, पाप के चार हथियार, क्योंकि जब भी कोई सुधारक सुधार करने के लिए आता है तो सबसे पहला हथियार जो विरोधियों का होता है वो होता है उपेक्षा। उसकी उपेक्षा की जाती है, उसको नेग्लेक्ट किया जाता है, उसकी बातों की तरफ ध्यान मत दो, वो तो पागल है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये उपेक्षा जब होती है तब क्रांतिकारी का जो हौसला है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी आवाज़ जो है और बुलंद हो जाती है, तब जो विरोधी पक्ष के लोग हैं वो क्या करते हैं, उसकी निंदा करना शुरू कर देते हैं, उसकी बुराई करना शुरू कर देते हैं, बोलते हैं ये तो ऐसा व्यक्ति है वैसा व्यक्ति है, लोगों को उसके बारे में भड़काया जाता है, समाज को भड़काया जाता है, और इस तरीके से उसकी निंदा शुरू हो जाती है, और यहाँ तक कि क्रांतिकारियों की तो हत्याएं भी आम बात हो जाती है ना। जब वो बिल्कुल नहीं सुनता, उपेक्षा होने के बाद नहीं रुकता, निंदा होने के बाद में नहीं रुकता, तब जो है इनके लिए तीसरा हथियार जो है वो चलाया जाता है, और वो होता है हत्या। ऐसे समय में वो क्रांतिकारी जो बिल्कुल ही जोश से समाज में आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल रुकने को नहीं मांग रहा है, ऐसे क्रांतिकारी की जो है हत्या कर दी जाती है, परंतु फिर भी सुधारक अपना रास्ता नहीं बदलते हैं, है ना। ऐसा देखने के बाद में भी क्या होता है, यानी उनकी हत्या हो जाती है। हत्या होने के बाद में यहाँ पे हम लोग और बहुत सी चीज़ें देख सकते हैं, इस जगह पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ऐसे समय में क्रांतिकारियों की हत्याएं भी आम बात हो जाती है, लेकिन जब उनकी हत्याएं हो जाती है तब समाज समझने लगता है कि ये क्रांतिकारी जो मर गया है ये वास्तव में हमारे लिए कुछ अच्छा बोल रहा था, अच्छा करने के लिए बोल रहा था, और तब जनता उसकी तरफ, उसके मरने के बाद जनता का जो झुकाव है, उनकी जो सहानुभूति है उस क्रांतिकारी की तरफ, सुधारक की तरफ बढ़ती है, और ये देख कर
तब विरोधी लोग अपना अंतिम जो शस्त्र है वो छोड़ते हैं, और वो है श्रद्धा का शस्त्र। श्रद्धा का शस्त्र छोड़ के बोलते हैं, अरे वो मरा, वो बहुत अच्छा व्यक्ति था, उसने बहुत अच्छे कार्य किए, उसका जो लक्ष्य था वो इस चीज़ को प्राप्त करने का था, तो अब हमें उसके कदमों पर, पद चिन्हों पर चलकर उसके लक्ष्य को पूरा करना चाहिए। इस प्रकार उसके प्रति श्रद्धा रखते हैं, उसके स्टैचू बनवाते हैं, मंदिर बनवाते हैं, उसके नाम की किताबें छपवाते हैं और सब लोगों में बांटते हैं, और इस तरीके से बताते हैं कि वो व्यक्ति कितना अच्छा था। तो जो जनता जो जानती है कि वो अच्छा था और उसके साथ बुरा हुआ, वो भी फिर भूल जाती है, और उसको लगता है कि अब सब लोग उसको अच्छा मान रहे हैं, उसकी किताबें छप रही हो रहा है, तो वो भी फिर वो सारी चीज़ें भूलकर आगे बढ़ जाती है। और इस तरीके से कोई भी सुधारक जब आते हैं तो सुधारणा नहीं कर पाते हैं, स्थिति जिसकी तस रह जाती है अधिकतर मामलों में, ये हम देखते हैं। परंतु फिर भी सुधारक अपना रास्ता नहीं बदलते, क्योंकि एक के बाद एक कई ना कई सुधारक आते जाते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक सुधारक चला गया तो कोई नहीं आएगा, तो सुधारक आते रहते हैं, अपना कार्य करते रहते हैं। किसी भी व्यवस्था में बदलाव धीरे धीरे आता है, रूढ़ियों को बदलने में सदियां बीत जाती है। किसी चीज़ में अगर आपको बदलाव लाना है, उसको बदलना है, तो वो कुछ ही समय में, कुछ ही सालों में संभव नहीं है, उसके लिए पीढ़ियां लग जाती है बदलते हुए, कम से कम 50-100 साल लग जाते हैं एक चीज़ से दूसरी चीज़ में बदलाव लाने के लिए। रूढ़ियों को बदलने में सदियां बीत जाती है, और पिछड़ी हुई प्रथाओं को बदलने में पीढ़ियां भी लग जाती है। तो परंतु जो भी चीज़ समाज के लिए लाभदायक न रहे, समय के अनुसार वह उचित न लगे, उसे बदलना भी चाहिए, क्योंकि यही बदलाव हमें प्रगतिशील बनाते हैं, हमारा विकास करते हैं, हमारे देश का विकास करते हैं। इसलिए जो है बदलाव बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, वो दिया हुआ है आपका कि कवि की भावुकता और संवेदनशीलता के आधार को समझते हुए चुनिंदा शेर का रसास्वादन कीजिए। तो ये रसास्वादन के अंतर्गत हमारा क्वेश्चन बन जाता है। इसको हम लोग देखते हैं कि कवि अपने जीवन के अनुभवों को साझा करते हुए कहते हैं, कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करने के बाद भी वे हारे नहीं और एक अच्छे कवि बने, है ना। वे अपने खुद के जीवन के बारे में कवि बता रहे हैं कि मैंने बहुत कठिनाइयों का सामना किया और उसके बाद भी मैं हारा नहीं, एक अच्छा कवि बन गया। वे कहते हैं कि असफलताओं के अंधेरों में आशा की एक छोटी सी किरण भी हौसला दे जाती है, है ना। मैं बहुत बार असफल हुआ, कई असफलताओं ने मुझे घेरा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक छोटी सी आशा की किरण जो मुझे दिखती रही, उसने मुझे बहुत बड़ा हौसला दिया। वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे सभी की दुआएं पर्याप्त मात्रा में सुने और उसका अच्छा फल दे, क्योंकि ऐसा ना हो कि ईश्वर प्रार्थना तो सुनते हैं लेकिन जो फल मिलता है उसमें भी घुन लगा हुआ होता है, यानी उसका कोई खाने को दे रहे हैं पर पेट नहीं भर रहा है, खा नहीं पा रहे हैं, ऐसा। तो ईश्वर को कहते हैं कि प्रार्थना सुनिए। कवि रोज नए सपने देखता था, उसके सपने आकाश के समान ऊँचे हुआ करते थे। उसे पता न था कि उन सपनों को पूरा करने के लिए जिन राहों पर चलना है, उन राहों पर वह क्रांति के बीज बो रहा था, बदलाव के बीज बो रहा था। ठीक है, वह कहते हैं कभी किसी को अपने दुख मत दिखाओ, क्योंकि दुखी और कमजोर का कोई साथ नहीं देता। वे कहते हैं तपस्वी अपनी तपस्या से ऐसी शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं कि उनके वचन सत्य होने लगते हैं। अर्थात मनुष्य को किसी भी कार्य को करने के लिए तपस्या जैसे गुणों की आवश्यकता होती है, यानी जिद से किसी कार्य को करने की आवश्यकता होती है, एक जगह पर अड़कर किसी कार्य को करने की आवश्यकता होती है। वे कहते हैं एक सीमा के बाद मनुष्य की सहन शक्ति समाप्त हो जाती है, तब वह विद्रोह करने लगता है। जब सहन शक्ति समाप्त हो जाएगी तो इंसान क्या करेगा, विद्रोह करेगा। असफलताएं मनुष्य के जीवन को आंसुओं से भर देती है, असफल होने पर मनुष्य अक्सर रुआंसा हो जाता है। मेहनत करने वाले के पैरों में हमेशा हालात के चटके लगते रहते हैं, क्योंकि जो परिश्रमी होता है वो हमेशा उसके पैरों में पहनने के लिए चप्पल नहीं होती, जब सड़कों पर चलता है तो पैरों में चटके लगते हैं। और इसका अर्थ यहाँ पर इस तरीके से है कि जो परिश्रम करता है उसका परिश्रम इतना हद से ज़्यादा होता है कि उसको हालात के चटके यहाँ पर लगते हैं, परिस्थितियों के चटके उसे लगते रहते हैं। हर मनुष्य अपनी सांसों को ईश्वर के पास गिरवी रख कर आता है, और ईश्वर सभी को कुछ न कुछ कमी और कुछ न कुछ चिंताएं जरूर देता है। यानी कोई भी यहाँ पे परिपूर्ण नहीं है, कोई भी यहाँ पे इस संसार में सुखी नहीं है, सबके जीवन में कुछ न कुछ कमी है, कुछ न कुछ चिंताएं हैं। चिंताओं के प्रकार अलग है,
कमियों के प्रकार अलग है और दुखों के प्रकार अलग है। हर व्यक्ति का दुख किसी दूसरे व्यक्ति से अलग हो सकता है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते हमारा दुख बड़ा है उसका दुख बड़ा नहीं है। दुखी हर कोई है यहाँ पर, है ना, चिंतित हर कोई है यहाँ पर, कमियाँ सबके पास है, इन सबके जो है प्रकार अलग अलग है। तो उनकी आवश्यकताएँ पूरी करने की चिंता में वे दिन रात लगे रहते हैं, है ना। हर एक व्यक्ति अपनी अपनी चिंताओं को कम करने में, कमियों को पूर्ण करने में लगा रहता है। वे कहते हैं निरक्षर भी अपने हिसाब किताब रखा करता है, यानी जिसे लिखना पढ़ना नहीं आता वो भी अपने हिसाब किताब लिख कर रखता है। उसकी भी इच्छाएँ होती है कि मैं ये करूँ वो करूँ, मुझे ये मिले वो मिले। अतः ईश्वर सभी को कम से कम इतना दे कि वे अपनी आवश्यक आवश्यकताएं तो पूरी कर सके। ये यहाँ पर जो है कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे ईश्वर, ज़्यादा न दे पर इतना तो दो कि कम से कम आवश्यक जो आवश्यकताएं हैं, पेट भरने की आवश्यकता, जीने की आवश्यकता, जीने के लिए जो आवश्यक है, रोटी कपड़ा और मकान, वो हर किसी को मिल सके, ये दुआ वे ईश्वर से कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने चुनिंदा शेर इस लेसन के स्वाध्याय को देखा। विद्यार्थियों, आपको ये स्वाध्याय कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और मेरे इस चैनल को प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर से दबाइए और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी जरूर कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा हमेशा ध्यान में रखिए। इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्ते।